السلام علیکم ایوریون. آج ہمارا جو ٹریک ہے یہ دارا ٹو ہارون سے ہو کے مامنٹ تک جا رہا ہے. جیسا کہ ہم سب کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ جس کو بھی جو بھی ویلنگ ہے ہمارے ساتھ ٹریک کرنے میں وہ آ سکتا ہے, کوئی زیادہ بڑی پرابلم نہیں ہے. اس کو بند کر دو, اس کے بعد ہم بولیں گے. اور وہ رہا آپ کا ڈل,
तो और वो स्कॉस यूनिवर्सिटी है, और वो शालीमार, और ये इस साइड से जाओ, इस साइड से है, इस साइड से हम पहुंचते हैं दारा नेशनल पार्क, नहीं सॉरी दाशीगाम नेशनल पार्क। तो आज हम जा रहे हैं मामले वो कि हम पहुंचे, क्योंकि हम थोड़ा लेट निकले, थोड़ी प्रॉब्लम थी तो हम निकले लेट, और अब हम जा रहे हैं, छोड़ा नहीं हमको आगे उधर पे। हाँ, कुछ वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन थी नीचे तो उनको मनाना पहले पड़ा, उसके बाद हम आधे घंटे के बाद उसे हमें जाने दिया। तो हम अब जा रहे हैं मामनेट। होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स थैंक्स बड़ी। आप सभी जानते हैं हमने श्रीनगर से अपनी जर्नी स्टार्ट की, मामनेट हम आए, जो कि हरवन से ऊपर, दारा से ऊपर आता है, एक जगह है। तो हम यहाँ से ऐसे ही चल रहे थे, हमने सोचा था कि यहाँ पे नज़ारा ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। जो ही हम आगे आगे चले तो यहाँ पे हमें बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, जो कि हमने कश्मीर में रहते हुए पहले कभी नहीं देखा। ऐसे बहुत सारे कश्मीरी लोग हैं जिनको कि यहाँ के ऐसी बहुत सी जगहों के बारे में नहीं पता है। तो हमने अपना ये जो वीलॉग सेशन है हमने पिछले मंथ से स्टार्ट किया, ये हमारा थर्ड वीलॉग है। तो हमने सोचा कि हम अपने कश्मीरी भाइयों को, बहनों को, माओं को घर बैठे बैठे कश्मीर के बहुत सारी जगहों का नज़ारा दिखाएँ घर बैठे बैठे ही। तो हमारी चैनल है यूट्यूब पर जिसका नाम चक्रस है, तो आप लोग सभी एक बार ही हमारी चैनल को विज़िट कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हमने उस पर एक ही व्लॉग अपना अपलोड कर दिया है, जबरवन हिल्स का। ऐसे ही हम यहाँ पे मामनेट आए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इर्द गिर्द कैसे पहाड़ हैं, और नज़ारा देखिए यहाँ का, आपका दिल बहुत ही खुश हो जाएगा। थैंक यू। और ये हैं आकिब साहब, आकिब साहब, आरिफ साहब है, जो कि सारे हाइकर्स हैं हमारे, प्रो है, प्रो है सारे। आके भाई क्या हुआ? हाँ आके भाई, मेरे को मारो भाई। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे ये जो लकड़ी का टुकड़ा है इसको हमने हथियार बना दिया है यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि ऊपर कोई भी जानवर हो सकता है, हमारे पास कोई वेपन होने इससे उसको होगा क्या? इससे तो उसको होगा कुछ नहीं, हमें ही सपोर्ट मिलेगा अगर हमें वापस उतरना पड़ा तेजी से। हाँ? तो हम इसकी मदद से सपोर्ट ले सकते हैं, ये बात भी सही है। तो भी शुक्र है आज इधर पे ट्रैक के लिए थोड़ा सा रूट है, इससे हमको थोड़ी सी तो आसानी हुई। आज जा रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। और ये देख के और आज अच्छी सी धूप भी है, अच्छा लग रहा है आके इधर पे।
सकते हैं वो हमारा स्टॉप था। तो हमने वो आसान रास्ता छोड़ के हमने ये वाला रास्ता चूज़ किया जो कि बहुत ही सख्त रास्ता है। ट्रैकिंग करने में मज़ा आसान रास्ते में नहीं आता है, टफ रास्ते में आता है। और जो आप वो देख रहे हैं वो पहाड़ की चोटी, उसी को मामनेट कहते हैं, जो कि दारा से ऊपर 6 किलोमीटर की दूरी पर वाकिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कैसा खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत।